हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनसी फॉर नर्सिंग ऑफिस में। दोस्तों, हम एक न्यू वैकेंसी के साथ हैं, तो हम यहाँ पर फुल डिटेल में बात करने वाले हैं। आप वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहना। और दोस्तों, आप हमें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो एनसी फॉर नर्सिंग ऑफिसर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। और यदि आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लेना। और यदि आप हमें खबरी पर सुन रहे हो तो आजकल अपडेट्स चैनल को बावे आप हमें फॉलो करके घंटी के निशान को दबा सकते हो। यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले कि वैकेंसी है कहाँ से। तो ये COVID-19 स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव, ये वैकेंसी है जो कि प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में है 1 ईयर के लिए। और यहाँ पर जो पोस्ट है वो स्टाफ नर्स, MNO, FNO और स्वीपर की और एनेस्थेसिया टेक्नीशियन की यहाँ पोस्ट है। यहाँ आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट स्टाफ नर्स की है वो 83 है, MNO एंड FNO की है वो 109 है, FNO की है वो 42 है, स्वीपर की है वो 91 है, एनेस्थेसिया टेक्नीशियन की है वो 10 है। चलिए हम सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं इनके लिए एज की। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम एज है वो 39 ईयर्स है। SC ST और BC जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन यहाँ दिया जाएगा। 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन एक्स सर्विस मैन को दिया जाएगा एंड 10 ईयर्स फिजिकल हैंडीकेप्ड पर्सन को यहाँ दिया जाने वाला है। एंड मैक्सिमम 44 ईयर्स कैंडिडेट होना यहाँ मतलब एक्सेप्ट कर लिया जाएगा 44 ईयर्स के कैंडिडेट को एज रिलैक्सेशन देने के बाद में। द मैक्सिमम एज शैल बी रिकॉर्ड एज, यहाँ पर जो एज आपकी काउंट की जाएगी, कैलकुलेट की जाएगी वो 1 अप्रैल 2020 से की जाएगी। सब नेक्स्ट हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की, जैसे कि डेट ऑफ नोटिफिकेशन, ये 17 अप्रैल को नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट है वो 21 अप्रैल है। सॉरी गाइज, मेरा थोड़ा गला ख़राब है आज। एंड पब्लिकेशन ऑफ प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट है वो 22 अप्रैल है। लास्ट डेट ऑफ ऑब्जेक्शन एंड रेड, मतलब यहाँ पर आपको जैसे आपका प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट पब्लिश हो गई, उसके बाद में यदि आप कोई ऑब्जेक्शन लेना चाहते हैं तो आप 23 अप्रैल तक उसमें ऑब्जेक्शन ले सकते हो। उसके बाद में फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आपकी 24 अप्रैल को पब्लिश कर दी जाएगी। और इश्यू ऑफ अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स और आपको ज्वाइनिंग का ऑर्डर मिल जाएगा 26 अप्रैल को। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या सर्टिफिकेट्स आपको चाहिए, तो देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर असेंशियल डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ पर अपन को सबसे पहले जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रिस्क्राइब परफॉर्मर डाउनलोड कर लेना है इस वेबसाइट से, जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे वेबसाइट easy.ap.gov.in या फिर medrec only, इसी वेबसाइट पर आप ये परफॉर्मर आपको मिल जाएगा। वैसे आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है तो परफॉर्मर डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर सर्टिफिकेट चाहिए, अटेस्टेड ऑफ कॉपी मार्क्स मीमो ऑफ SSC या 10th का आपका मार्कशीट चाहिए सेल्फ अटेस्टेड। एंड नेक्स्ट यहाँ पर जो आप इंटरमीडिएट जो आपका 12th है उसका क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट सेल्फ अटेस्टेड कॉपी चाहिए। एंड आपने जैसे JNM किया है, BSc की नर्सिंग किया है या फिर कोई भी एनेस्थेसिया टेक्नीशियन का डिप्लोमा है या स्वीपर का आप 10th से लगा, तो जो आपका मार्कशीट है उसकी सारे ऑल ईयर की आपकी मार्कशीट यहाँ पर लगानी है आपको अटेस्टेड करके। इंटर्नशिप की सर्टिफिकेट भी आपको लगाना है और जो आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है आंध्र प्रदेश मेडिकल काउंसिल से वो भी आपको यहाँ लगा लेना है। एंड कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए यहाँ पर, लेटेस्ट SC ST और BC कैंडिडेट यदि आप हो तो आपको अटेस्टेड करके लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ लगाना है। दूसरा यहाँ स्टडी सर्टिफिकेट लगाना है आपको 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक के, जहाँ से आपने किया है वहाँ का। नेक्स्ट यहाँ पर लेटेस्ट फिजिकल हैंडीकेप सर्टिफिकेट जो कि मेडिकल बोर्ड से इश्यू होना चाहिए भाई आपको यहाँ लगाना है। अटेस्टेड कॉपी ऑफ एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, यदि आप एक्स सर्विस मैन हो तो उसकी भी यहाँ पर अटेस्टेड कॉपी आपको लगानी है।
कैंडिडेट ओनली ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एनी कैंडिडेट एप्लीकेंट शैल नॉट अटेंड ऑफिस आइदर DMHO एंड DCHS और DME ड्यू टू द प्रिकॉशनरी मेजर्स ऑफ COVID-19। यहाँ पर ओनली आपके ऑनलाइन ही फॉर्म एक्सेप्ट किए जाएंगे। यदि कोई कैंडिडेट ऑफलाइन फॉर्म के लिए वहाँ ऑफिस पहुँचता है, कहीं भी तीनों ऑफिस नाम दिए हुए हैं वहाँ पहुँचता है, तो वो आप नहीं हो पाएगा पॉसिबल, क्योंकि COVID-19 एज ए प्रिकॉशनरी जो मेजर्स चल रहे हैं उनके कारण आप ऑफलाइन फॉर्म नहीं ले सकते वहाँ से। सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन जो स्टाफ नर्स का सिलेक्शन होगा उसमें GNM और BSc नर्सिंग के अंदर 45 मार्क्स काउंट किए जाएंगे एंड इंटरमीडिएट जो 12th है उसका 45 मार्क्स मीन्स 90 और 10 मार्क्स हैं वो वेट और एज के अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा। इस हिसाब से आपकी काउंसलिंग करके और आपकी मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। यहाँ पर यदि किसी के पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस है स्टाफ नर्स के लिए तो उनको यहाँ प्रेफरेंस दी जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात कर लेंगे कि सैलरी क्या रहने वाली है आपकी। तो स्टाफ नर्स की जो सैलरी रहेगी वो 34,000 रुपये पर मंथ रहेगी और यहाँ पर BSc और GNM कैंडिडेट अप्लाई करेंगे और ओनली आंध्र प्रदेश के कैंडिडेट यहाँ अप्लाई करेंगे, ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और अदर वैकेंसीज की आप यहाँ सैलरी देख सकते हो, कुछ इस प्रकार दी हुई है, ये आप देख सकते हो। हमारे काम की वैकेंसी नहीं है सो मैं इनको छोड़ रहा हूँ। तो आई होप आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, फिर मिलेंगे किसी न्यू वैकेंसी के साथ में। जय हिंद।